हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ डियर एक्स दिवेश पॉल और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है तारक काय व तारक केंद्र, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल हम जिसे कहते हैं। कुछ डायग्राम मैंने पहले से बना के रखे हैं, वरना फिर पोलियो होता बार बार मेरे डायग्राम को, फिर ख़राब होते वो बार बार मैं मिटाता, टाइम जाता, तो मैंने पहले से बना के रख लिया। क्या है इसको देखते हैं और ये क्या है इसको देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जो तारक काय है इसमें तारक केंद्र होते हैं, ये हम लोगों ने देखा। तो आपको याद रखना है यहाँ पे आपको दो तारक केंद्र देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये है तारक केंद्र, तो ये याद रखना, दो है तारक केंद्र। कैसे हैं, तो ये लंबवत है, ये आपको याद रखना। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसकी जो संरचना होती है, किसकी, यहाँ पे तारक केंद्र की बात कर रहे हैं हम लोग। तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल की जो संरचना होती है ये होती है बैलगाड़ी के पहिए की तरह। तो आपको ये याद रखना है, ये है बैलगाड़ी के पहिए जैसी ये संरचना होती है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये है डायग्राम किसका, तारक केंद्र का, बैलगाड़ी का। आप अपने जो है गांव में कभी गए हो या रहते हो तो आपने बैलगाड़ी देखी होंगी, तो उसका पहिया कुछ इस टाइप से होता है। तो ये बैलगाड़ी के पहिए समान जो है संरचना होती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो आपको ये याद रखना है जो तारक केंद्र होता है ना, यहाँ पे झिल्ली का अभाव होता है, यानी कि यहाँ पे झिल्ली नहीं होती है, यानी मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है, तो झिल्ली का अभाव होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें जो लिक्विड है ना, ये लिक्विड कैसा होता है, तो ये होता है यहां पे, ये होता है अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव्य होता है। तो आपको ये याद रखना है, द्रव्य यानी लिक्विड, परिकेंद्र का मतलब परिधि पर, आउटर में। तो यहाँ पर अक्रिस्टलीय जो है आपको केंद्र की द्रव्य देखने को मिलेगा, परिकेंद्र की। क्रिस्टल क्या होता है पता है आपको, सुगर शक्कर के जो दाने होते हैं ना वो क्रिस्टल होते हैं, तो उस टाइप से नहीं होते, ये अक्रिस्टलीय होते हैं, ये याद रखना। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो आप देख रहे हो कि जो तारक केंद्र है, तो मैंने कुछ सूर्य देव समान इसको बनाया है, तो यहाँ से कुछ ये किरणें निकल रही है, ये क्या है, तो आपको ये याद रखना है। इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं तारकीय अरे, क्या कहते हैं इसको हम लोग, तारकीय अरे। और तारकीय अरे का मतलब होता है एस्टर रेस, क्लियर है। तो ये याद रखना, तारक केंद्र से क्या निकल रही है, तारकीय अरे, जिसको हम लोग कहते हैं एस्टर रेस। और ये जो एस्टर रेस है आपको ये याद रखना है, ये बनाती है तरकु तंतु, जिसको हम लोग लिखते हैं स्पिंडल फाइबर। तो आपको ये याद रखना है कि जो स्पिंडल फाइबर है ये कोशिका विभाजन में मदद करता है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये जो तरकु तंतु है ये करेगा कोशिका विभाजन, तो ये कोशिका विभाजन में मदद करता है, ये आपको याद रखना है। कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन में ये मदद करता है, ठीक है। और जैसे ही ये कोशिका का विभाजन हो जाएगा, तो याद रखना उसके उपरांत यानी बाद, उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग लिखते हैं तरकु उपकरण। तो ये आपको याद रखना है, तरकु उपकरण जिसको हम लोग कहते हैं स्पिंडल एपरेटस। तो ये आपको नहीं भूलना है, बेसिक लाइन दी गई है एनसीईआरटी में, तो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, बैलगाड़ी के समान संरचना होती है, ये देख चुके हैं। इसके बाद तारक केंद्र की बात करें, तो सीलिया व फ्लेजिला जब मैंने पढ़ाया था वहाँ पे भी बताया था, तो तारक केंद्र से एक संरचना निकलती है जिसको हम लोग लिखते हैं सीलिया एंड फ्लेजिला, यानी कशाभिका और पक्षमाभिका। तो यहाँ से सीलिया व फ्लेजिला निकलते हैं और ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आधारी। तो कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, देखो टाइम हो गया खाना बनाने का, तो आवाज़ें आएंगी, तो ये याद रखना। आधारी का है
यानी ये जो है बेसल बॉडी को जो है बनाने का काम होता है, ये आपको याद रखना। तो ये बेसल बॉडी बनाता है कौन, सीलिया और फ्लेजिला, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग इस डायग्राम की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये जो है इसको हम लोग लिखते हैं परिधीय, परिधीय ट्यूबुलिन, परिधीय ट्यूबुलिन, परिधीय ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, सॉरी सूत्र होता है, सूत्र माइक्रो ट्यूबल्स जिसको हम लोग कहते हैं ना, जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं यहाँ पे ट्यूबुलिन सूत्रों की बनी होती है। तो ये याद रखना है परिधि या पेरिफेरल जो है यहाँ पे ट्यूबुलिन फाइबर्स होते हैं और यहाँ पे ये त्रिक के रूप में होते हैं, यानी कि ट्रिपलेट के रूप में, यह आपको याद रखना है। तो सीटी आ रही है कुकर की, तो चलो हम लोग टॉपिक पे देखते हैं। तो परिधि ट्यूबुलिन सूत्रों की बात करें तो ये त्रिक के रूप में होता है। सीलिया और फ्लेजिला में हम लोगों ने देखा था कि जो परिधि माइक्रोट्यूबल्स होती है वो डबलेट के रूप में होती है, यहाँ पे कैसी होंगी, ट्रिपलेट के रूप में, ठीक है। तो ट्रिपलेट के रूप में है कितनी, जरा नापना कितनी होंगी, तो ये गोंडी लैंग्वेज होती है पर मेरे को तो नहीं आती है, दो तीन वर्ड ही आते हैं, उन्द्रन मून नालू एडुंग सयूं। तो एक टू तीन फोर पाँच सिक्स सात एट नौ, तो ये कितनी है, नौ होती है, ये आपको याद रखना है। नौ जो है पेरिफेरल में, यानी कि ट्यूबुलिन आपको यहाँ पे प्रोटीन या सूत्र देखने को मिलेंगे, सॉरी मैं वो बार बार ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है ना एक, तो वो जो है प्रोटीन नहीं ट्यूबुलिन सूत्र या माइक्रोट्यूबल्स आप बोल सकते हो। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे सेंटर की बात करें तो यहाँ पे सेंटर की बात करें तो यहाँ पे इसका जो अग्र, अग्र भीतरी जो भाग होता है, अग्र भीतरी भाग यानी सेंटर वाला पार्ट, आपको ये याद रखना ये बना होता है प्रोटीन का, ठीक है। किसका बना होता है, ये बना होता है प्रोटीन का। तो इसको कहते क्या है, तो आपको ये याद रखना है इसको हम लोग कहते हैं धुरी, याद रखना। सीलिया और फ्लेजिला में हम लोगों ने जो है एक्सोनेमा कहा था, तो इसको यहाँ पे हम लोग कहते हैं हब, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, हब कहते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोट्यूबल्स की संरचना कितनी होंगी, तो ये याद रखना आपको दिखाई देगा एक, लेकिन एक नहीं, ये होती है जीरो, कुछ भी नहीं होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि तारक केंद्र में जो है व्यवस्था कैसी होती है माइक्रोट्यूबल्स की, तो आपको ये याद रखना यहाँ पे जो व्यवस्था होती है माइक्रोट्यूबल्स की या सूक्ष्म नलिकाओं की वो होती है 9+0, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सीलिया व फ्लेजिला में मैंने बताया था 9+2 होती है क्योंकि सेंटर में दो माइक्रोट्यूबल्स थी, यहाँ पे होती है जीरो, इसलिए इसको लिखते हैं 9+0। क्लियर है यहाँ तक के, तो चलो एक बार फटाफट से जल्दी से जो है रिवाइज करते हैं। तारक केंद्र हम लोगों ने देखा, तो तारक केंद्र की बात करें दो तारक केंद्र होते हैं, झिल्ली का होता है अभाव, इसकी संरचना बैलगाड़ी के पहिए समान होती है, तो ये आपको डायग्राम दिख जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें व्यवस्था कितनी होती है माइक्रोट्यूबल्स की, तो 9+0। सीलिया व फ्लेजिला से एक संरचना निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं बेसल बॉडी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तारकी अरे निकलती है, ठीक है। तारकी अरे बनाती है तर्कु तंतु यानी कि स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है और कोशिका विभाजन हो जाएगा उसके उपरांत यह बनाता है तर्कु उपकरण यानी कि स्पिंडल एपरेटस, ठीक है। इसके बाद अक्रिस्टली परिकेंद्रकी यहाँ पे द्रव्य देखने को मिलता है। इसके बाद जब मैंने यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ा रहा था आपको, तब बताया था कि तारक केंद्र या तारक काय जो है आपको जंतु कोशिका में दिखाई देता है और पादप कोशिका में दिखाई नहीं देता है, क्लियर है। तो क्या करना है आपको पता है, हम लोग लेने वाले हैं छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मिलने वाले, तो एक ले लो छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं।
चलिए तो ब्रेक यहाँ पे होता है खत्म। हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो या सुना होगा आपने, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा खासे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो हम लोग करेंगे, जो पहले भी कर चुके हैं, खोज किसने की है, तो इसकी खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। कब की थी, तो ये की थी 1831 से पूर्व। अब देखो एनसीईआरटी में जो छोटी छोटी लाइनें हैं ना, बस इसी पे आपको फोकस करना होता है। क्या लिखा है 1831 से पूर्व। अब एग्जाम में आ जाए कि जो है न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट हुक ने ब्राउन ने कब की थी, और ऑप्शन में जो है 1830 दे दिए जाए तो वो राइट रहेगा, क्योंकि क्या बोला है 1831 से पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, तो 1831 से पहले क्या आता है, 31 से पहले 30 आता है ना, 31 से पहले क्या आता है 30 आता है, तो ये बता सकते हो आप। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक आए, उसके बाद में जो है फ्लेमिंग साहब आए, तो इसके बाद में आपको याद रखना है, तो इसके बाद आए फ्लेमिंग साहब। तो जो फ्लेमिंग साहब थे, इन्होंने जो है केंद्रक में जो इनको पदार्थ मिला, तो इन्होंने केंद्रीय जो पदार्थ था, केंद्रीय पदार्थ जो क्षारीय रंग, जो क्षारीय, जो क्षारीय रंग से जो है रंजित हो जाता है, यानी रंजित का मतलब होता है स्टेनिंग करना, अभिरंजित का मतलब जो होता है, तो रंजित का मतलब होता है रंगना। तो जब केंद्रीय पदार्थ जो था उसको क्षारीय रंग से जो है रंगने की कोशिश की। अभी क्षारीय क्या होता है, तो आपने पीएच मीटर देखा होगा, 1 से लेकर 14 तक के होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, 1 से 7 तक के एसिड माना जाता है और 7 से 14 तक के बेस यानी कि क्षारीय माना जाता है। तो जब उस रंग से हम लोग रंगेंगे, सॉरी हम नहीं फ्लेमिंग साहब, तो जब इन्होंने रंगा, तो यहाँ पे जो है ना रंगने पर उन्होंने एक स्ट्रक्चर को देखा, एक संरचना को देखी, उसका नाम रख दिया क्रोमेटिन। तो आपको ये याद रखना, उसका नाम क्या रखा, क्रोमेटिन। तो इस तरह से हमको मिल गया क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन की खोज किसने की है, फ्लेमिंग ने, और केंद्रक की खोज किसने की है, रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको एक और बात याद रखनी है कि यहाँ पे केंद्रक की बात करें तो हर एक कोशिका में जो है केंद्रक होता है, लेकिन कुछ ऐसी भी कोशिका होती है जो केंद्रक रहित होती है, यानी कि जिसमें केंद्रक आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें केंद्रक देखने को नहीं मिलता है, तो वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक तो मानव की आरबीसी, ठीक है, और दूसरा चालनी नलिका, चालनी नलिका, और ये चालनी नलिका जो है ना आपको देखने को मिलेंगी संवहनी पौधे में, यानी प्लांट में एक होते संवहनी पौधे, ठीक है, उसमें एक नली होती है जिसको चालनी नलिका कहते हैं, तो बॉटनी में बहुत अच्छे समझेंगे हम लोग। तो इन दोनों में जो है केंद्रक आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, और एनसीईआरटी माता ने आपसे पूछा भी है कि भाई अगर केंद्रक नहीं है इन कोशिकाओं में, तो ये कोशिका जीवित है या मृत है, तो वो क्वेश्चन भी आपको कमेंट्स में बताना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे केंद्रक के बारे में आपको याद रखना है कि जो केंद्रक है ये अंतरावस्था, ठीक है, सॉरी अंतरावस्था नहीं अंतराकाल, हिंदी में इसको लिखा है अंतराकाल, ऐसे अंतरावस्था ही कहते हैं उसको, यानी इसको हम लोग लिखते हैं इंटरफेस। तो आपको ये याद रखना है, इंटरफेस में जो है इसका विभाजन नहीं होता है, यहाँ पे इसका विभाजन नहीं होता है, किसका, केंद्रक का। अब जब कोशिका का विभाजन देखेंगे तो हम लोग देखेंगे वहाँ पे एक फेस होता है इंटरफेस, तो वहाँ पे कोशिका सॉरी केंद्रक विभाजित नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं केंद्रक की संख्या की बात करें कि एक कोशिका में कितनी हो सकती है, तो आपको ये याद रखना है
तो यहां पे आपको याद रखना है, अगर एक कोशिका में एक ही केंद्रक है ये तो आपको पता ही है, लेकिन अगर दो हो, एक कोशिका में दो केंद्रक हो, तो ये देखने को मिलेगा। इसका एग्जांपल क्या है? पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में आपको याद रखना है दो केंद्रक देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको जो है एक कोशिका में दो से अधिक केंद्रक देखने को मिले, यानी आपको जो है अनेक केंद्रक देखने को मिल गए, तो फिर क्या होगा, क्या कहोगे? तो आपको ये याद रखना, डिपेंड करता है कि किस में देखने को मिलेंगे। अगर आपको पौधे में देखने को मिलेंगे और जंतु में देखने को मिलेंगे, तो अगर पौधे में जो है एक से अधिक केंद्रक होगा एक कोशिका में, तो आपको याद रखना है ऐसे पौधे को या ऐसी कोशिका को आप लिखोगे संकोशिकी। क्या लिखोगे? संकोशिकी। और अगर जंतु में अगर ऐसी कोशिका होती है तो उसको लिखोगे आप, उसको हम लोग कहेंगे सिंसीसियम, सिंसीसियम। तो ये आपको याद रखना है, क्या लिखोगे? सिंसीसियम। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, तो डायग्राम देखते हैं न्यूक्लियस का क्या होता है। तो न्यूक्लियस के डायग्राम की बात करें हम लोग, तो कुछ इस टाइप से आपको संरचना देखने को मिलेंगी। तो ये भी जो है डबल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, ये आपको याद रखना है, डबल झिल्ली युक्त होता है। और कुछ इस टाइप से यहाँ पे दोनों मेम्ब्रेन जो है ना संलग्न हो जाती है, आपस में मिल जाती है। तो ये होता है केंद्रक। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो ये केंद्रक की जो आउटर मेम्ब्रेन रहती है ना, वहाँ से कोशिकांग जुड़ा रहता है। तो ये आपको याद रखना है, कौन सा कोशिकांग होता है, पढ़ चुके हम लोग। तो ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद रखना, इसकी आउटर लेयर से जो है जुड़ा हुआ रहता है। तो ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको थोड़ा सा पोलियो हो गया, तो यहाँ तक के हम लोग कर देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ये है केंद्रक, यहाँ पे जो है ना इस टाइप से धागेनुमा संरचना रहती है, बहुत सारा लिक्विड भरा रहता है, और यहाँ पे एक और इस टाइप से गोल गोल संरचना होती है। अब क्या होती है इसको वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे दो झिल्ली आपको देखने को मिलेंगी, तो बेसिक है, एक तो आउटर लेयर यानी एक बाहरी लेयर और एक आंतरिक लेयर, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो ये दिख गया आपको क्रोमेटिन, ठीक है, ये होता है क्रोमेटिन। तो ये तो हो गया क्रोमेटिन, ठीक है। और एक ये संरचना होती है जिसको हम लोग लिखते हैं केंद्रिका, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो इसको हम लोग लिखते हैं न्यूक्लियोलस। तो ये न्यूक्लियस या फिर केंद्रिका। चलो वन बाय वन हम लोग देखते हैं पहले, तो केंद्रिका के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो केंद्रिका है आपको याद रखना है कि भाई एक कोशिका में एक ही होंगी, भाई एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है तो उसी प्रकार ये भी एक ही होंगी। लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पे कभी कभी ये जो है एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं आपको देखने को मिलेंगी, गोलाकार संरचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है ये झिल्ली रहित होती है, यानी यहाँ पे कोई भी झिल्ली नहीं होती है, ये याद रखना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, नीट में क्वेश्चन आया था कि जो न्यूक्लियस है इसका जो द्रव्य है वो कहाँ होगा, तो आपको ये याद रखना ये न्यूक्लियोप्लाज्म में, क्लियर है, या इसको क्या कहते हैं केंद्रक द्रव्य, तो केंद्रक द्रव्य में ही बिखरा रहेगा क्योंकि इसमें तो कोई मेम्ब्रेन है नहीं, क्लियर है, याद रखना झिल्ली नहीं होती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करें, तो यहाँ पे ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे ये इसको पोलियो हो गया, वन मिनट, ये आरआरएनए का संश्लेषण करता है, तो ये नहीं भूलना है आपको। अच्छा, आरआरएनए क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए, आर का मतलब क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए। तो ये जो राइबोसोम है ये कहाँ बन रहा है? न्यूक्लियस में बन रहा है, क्लियर है, ये याद रखना। तो आरआरएनए का ये संश्लेषण करता है,
इसके बाद आपको ये याद रखना है, जो कोशिकाएं अधिक रूप से, ये याद रखना, जो कोशिकाएं अधिक रूप से सक्रिय होती हैं, अधिक रूप से जो है प्रोटीन संश्लेषण करती है, आपको याद रखना उसमें जो है उनमें ये बड़े व अनेक केंद्रिका आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये याद रखना, थोड़ा सा फीका चल रहा है ये पेन क्योंकि इसको लगी है भूख, तो दिख रहा होगा आपको। देखो, तो हम लोग बात करते हैं जो कोशिकाएं अधिक रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन संश्लेषण करती है, तो बड़े व अनेक केंद्रिका होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण करना है कौन करता है, राइबोसोम। तो राइबोसोम को बनाता कौन है, न्यूक्लियस, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे, ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्रोमेटिन की बात करते हैं हम लोग, तो ये याद रखना, यहाँ पे ये तो होता है, ये जो द्रव्य है इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे आधात्री, या फिर इसको हम लोग कहते हैं केंद्रक द्रव्य, तो ये याद रखना है, या इसको हम लोग लिखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, जो इसमें द्रव्य भरा होता है। अब क्रोमेटिन की बात करते हैं हम लोग, तो क्रोमेटिन में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो आपको ये याद रखना है कि ये जो है प्रोटीन तंतु की बनी होती है, पहली बात तो ये याद रखना है, किसकी बनी होंगी, प्रोटीन तंतु की। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये ढीली धाली अस्पष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन तंतुओं की जालिका होती है। तो यह आपको याद रखना है कि ढीली ढाली जो है अस्पष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन तंतु की जालिका होती है, एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो विभाजन है, जब कोशिका में विभाजन होगा तभी गुणसूत्र दिखाई देंगे, वरना नहीं दिखाई देते हैं। तो ये याद रखना है, एक कोशिका में हमेशा होता है क्रोमेटिन, लेकिन जब क्रोमेटिन में विभाजन होगा तो ये किस में परिवर्तित हो जाएंगे, गुणसूत्र में, तो गुणसूत्र हमको दिखने लगेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्या क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, हिस्टोन प्रोटीन, जिसको यहाँ पर ये याद रखना है, हिस्टोन प्रोटीन जो एक प्रकार से क्षारीय प्रोटीन होता है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या होता है, डीएनए को बाइंड करके रखने का, यानी कि जोड़ के रखने का। इसके बाद आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है नॉन हिस्टोन प्रोटीन का, तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन का मतलब है, जो हिंदी में इसको लिखा हुआ है एनसीईआरटी माता ने, इतर हिस्टोन प्रोटीन, क्या कहते हैं, इतर हिस्टोन प्रोटीन, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये किसके बारे में याद रखना है, क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन के बारे में इतना ही याद रखना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है, यहाँ से नीट में अभी क्वेश्चन आया था कि ये डीएनए की लंबाई कितनी होती है, ठीक है, तो ये याद रखना है। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में ये देखने को मिलेगा आपको 2 मीटर का, ठीक है, कितना देखने को मिलेगा, 2 मीटर का, ये नहीं भूलना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, तो आप देखोगे तो ये जो केंद्रक झिल्लियाँ होती है ना, तो इसकी जो आउटर लेयर होती है, याद रखना यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है
कणिकामय एक संरचना होती है। ये याद रखना, सिर्फ ये आउटर लेयर पे होता है, इनर पे नहीं होता है, ठीक है। अभी जब आउटर लेयर पे होता है तो यहाँ से निकल के ये यहाँ आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। इसलिए आपने सुना होगा कि जो केंद्रक झिल्ली के पास राइबोसोम होता, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके ऊपर कौन चिपके हुए रहते हैं? राइबोसोम। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? रप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये राइबोसोम को समझने की कोशिश करो, बना कहाँ? न्यूक्लियस में। आरआरएनए का संश्लेषण करता है, यहाँ से निकल के कहाँ चले जाएंगे? आउटर लेयर में। आउटर लेयर से निकल के कहाँ चले जाएंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, सो नेक्स्ट राइबोसोम देख चुके। इसके बाद जो है यहाँ पे ये दो झिल्ली के बीच में एक स्पेस होता है, ये आपको याद रखना है, जिसको हम लोग लिखते हैं परिकेंद्रकी अवकाश, इसको लिखते हैं हम लोग, यानी कि पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और पेरी न्यूक्लियर स्पेस की बात करें तो आपको ये याद रखना, ये होता है 10 से लेके 15 मीटर, तो ये आपको याद रखना है, क्लियर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे एक होता है, ये क्या होता है, दो केंद्रक झिल्ली के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग लिखते हैं केंद्रक छिद्र, ठीक है। क्या लिखते हैं? तो इसको लिखते हैं केंद्रक छिद्र, जिसको हम लोग लिखते हैं न्यूक्लियर पोर। इसका काम क्या होता है, यह आपको याद रखना है। तो इसका काम यह है कि ये जो है आरएनए वा या एंड आरएनए वा जो प्रोटीन अणु होते हैं, तो आरएनए एंड प्रोटीन अणु जो होते हैं, तो इसको पोलियो हो गया था, तो अणु की बात करें यानी प्रोटीन अणु की, तो इसको ये क्या करता है, यहां पे केंद्रक द्रव्य, ये केंद्रक द्रव्य से कहां पे भेजेगा? कोशिका द्रव्य में। और जो कोशिका द्रव्य का मटेरियल है उसको कहां तक के भेजेगा? केंद्रक तक के, क्लियर है। तो यहाँ पे जो है इतनी ही बातें आपको समझनी थी। एक बार जो है जल्दी से हम लोग रिवाइज करते हैं क्या क्या देखा अभी तक के हम लोगों ने। तो केंद्रक में हम लोगों ने बात करी कि रॉबर्ट ब्राउन जो थे 1831 से पहले यानी पूर्व इन्होंने खोज की थी, किसकी? न्यूक्लियस की। बाद में कौन आए? फ्लेमिंग साहब आए। फ्लेमिंग साहब ने क्या किया, केंद्रीय पदार्थ था उसको क्षारीय रंग से रंग दिया। तो जब रंग दिया तो उनको एक संरचना दिखाई दी, उसको क्या नाम दे दिया इन्होंने? क्रोमेटिन। तो ये याद रखना है। केंद्रक रहित कोशिका भी होती है, तो कौन कौन सी? आरबीसी और चालनी नली का, जो संवहनी पौधे में मिलते हैं यानी वैस्कुलर प्लांट में देखने को मिलेगा। केंद्रक की बात करें हम लोग तो यहाँ पे एक ही पैरामीशियम है, लेकिन एक कोशिका में जब एक ही केंद्रक देखने को मिलता है, ये नॉर्मली देखा है, लेकिन जब दो केंद्रक देखने को मिलेगा तो एग्जाम्पल क्या है? पैरामीशियम। जब एक कोशिका में बहुत सारे केंद्रक देखने को मिलेंगे पौधे में, तो संकोशिकी जंतु में देखने को मिलेंगे तो सिंसीशियम, क्लियर है। अब हम लोगों ने डायग्राम की बात की, तो इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर वाली और एक इनर वाली। इसके बाद बीच में इस टाइप से ये धागेनुमा संरचना होती है, क्रोमेटिन जिसको कहते हैं। तो ये क्या है? प्रोटीन तंतु की बनी है, ढीली ढाली अस्पष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन तंतुओं का एक जाल है या जालिका है। जब इसका विभाजन होगा तभी गुणसूत्र दिखाई देंगे, वरना सेल में सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देगा? क्रोमेटिन। क्या क्या होता है इसके अंदर? डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, ये देखने को मिलेगा। हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या होता है? डीएनए को बाइंड करना यानी कि जोड़ना। इसके बाद इसमें देखने को मिलेंगे नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी। मनुष्य में जो डीएनए होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, ये याद रखना, 2 मीटर। 2 मीटर बहुत होता है। कभी आपने कपड़ा वगैरह लिया, मतलब सिलवाया होगा, या लड़कियों को पता होगा उनकी चुन्नियाँ वगैरह, उनको पता है ज़्यादा, या फिजिक्स जब पढ़ोगे तो आपको पता है 2 मीटर बहुत होता है। मुझे नहीं पता है, ठीक है ना, आप देख लेना कमेंट्स में बता देना कितना होता है, लेकिन फिर भी बहुत होता है। तो उसको जो है यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर पैक किया जाता है। कैसे करते हैं तो ये हम लोग शायद जेनेटिक में पढ़ने वाले हैं, तो ये याद रखना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोलस यानी केंद्रीय का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक या अधिक गोलाकार संरचना होती है, झिल्ली रहित होती है, तो ये याद रखना इसका जितना भी मटेरियल है इस केंद्रक द्रव्य में जो है बिखरा पड़ा रहता है। यहाँ पे आरआरएनए का संश्लेषण होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है।
और जो कोशिकाएं अधिक रूप से प्रोटीन का संश्लेषण करती है उसमें बड़े वाई ये क्या दिखाई देते हैं, अने। क्लियर है। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि जो आउटर लेयर है यानी केंद्रक झिल्ली की जो बाहरी झिल्ली है उसके ऊपर राइबोसोम चिपके होते हैं। आते कहाँ से हैं, न्यूक्लियोलस से, आरआरएनए का संश्लेषण करते हैं, यही जाके कहाँ चिपक जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इन दोनों के बीच का स्पेस यानी केंद्रक झिल्ली के बीच का जो स्पेस है उसे परिकेंद्रीय अवकाश कहते हैं, 10 से 15 मीटर होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दो झिल्ली के बीच में जो छिद्र होता है उसको क्या कहते हैं, केंद्रक छिद्र। क्या करता है ये, तो ये आरएनए व प्रोटीन अणु को क्या करता है, केंद्रक द्रव्य से कोशिका द्रव्य में पहुंचाता है और कोशिका द्रव्य से केंद्रक द्रव्य में। ठीक है, यहाँ पे केंद्रक द्रव्य है ये, देखो ये केंद्रक है तो भाई इसके आसपास तो कोशिका होंगी ना, तो यहाँ से मटेरियल कोशिका द्रव्य में जाएगा और कोशिका द्रव्य से केंद्रक द्रव्य में आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे जो है हम लोग केंद्रक देख चुके हैं, तो आज के लिए इतना ही। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करके बताना है कुछ डाउट हो या कुछ सजेशन हो तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।